Oh, Namaste Ji. Welcome all. We'll start our yoga session. Thank you for joining. हम अपना योग का कार्य जैसे हर हफ्ता करते हैं वैसे शुरू करते हैं. आसन, फिर प्राणायाम, और फिर कोशिश करते हैं ध्यान या मेडिटेशन. बैठ जाए सीधा, तीन बार उद्गीत, ओम का उद्गीत करते हैं. ठीक है, पहला तो हम सूक्ष्म व्यायाम, उसके लिए सम वार्म अप एक्सरसाइजेस. पहला अपने चक्की आसन करते हैं, लेग्स घुमाना तीन बार क्लॉकवाइज, फिर तीन बार एंटी क्लॉकवाइज. पश्चिम उत्तानासन, हाथ को ऊपर, पैर को छूते, पैर को खोलना से चलाना दोनों तरफ. सामने लेते हैं, दोनों का पैर को घुमाना, ठीक है, से सहारा लेकर पीछे, हाथ से एंकल को घुमाना क्लॉकवाइज थ्री टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज थ्री टाइम्स. कीप सेइंग एंकल सोनस इज वेरी कॉमन एज वी गेट ओल्डर, सो दे बिकम स्टिफ. सो ट्राई एंड डू एक्सरसाइजेस फॉर रिस्ट एज वेल एज एंकल few times a week, it will help you not get pain. So, नीचे छोड़ना, सामने अंदर बाहर, अंदर अंदर बाहर, ऐसे अब थोड़ा हल्का हो गया आपकी शरीर. आप करते हैं टारगेटेड एक्सरसाइजेस. पहला मूलाधार के लिए, तो राइट लेग एंकल को लेफ्ट पर रखकर राइट जो नी है उसको ऐसे थोड़ा प्रेशर करते हैं जमीन की तरफ, ऐसे दबाना जितना हो सके, ऐसे कीजिए ऊपर लाए जितना ऊपर हो सके. फिर इसको गोद ले ले और घुमाए, फिर इसको अंगूठा पकड़ कर घुमाना ऐसे सर्कल बनाना, फिर उल्टी से और एक बार फिर जितना ऊपर हो सके नीचे आ जाना. मूलाधार के लिए अच्छी है, ऐसे इसको करते हैं दूसरी तरफ. यही आपको पता, अब एनर्जी जो सेंटर्स नीचे से ऊपर जाती, नीचे का ही पर हम सब ज्यादा कर रहते हैं, इसमें हमारी सोच विचार सब जो दुख भरी कहानी सभी का होता ना, सुबह उठ जाते हैं कल का कार्य, कल का क्या, बस उसी का सोच करना, उसी में अपने आप को दुख देना, दूसरे को दुख भी देना, क्योंकि जो सोच आती है
फियर, एंजाइटी, एंगर, इसका मैनेजमेंट ऐसे हम सिखाया नहीं जाता ना, हम ऐसे बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं छोटे से उसको लेकर। योग का कार्य जो है केवल फिजिकल बॉडी को नहीं हेल्प करता, लेकिन आपकी जो अंदर की ऐसे स्टेटस हो जाती है। तो पहला मूलाधार का था, तो उसमें पेन, फिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिक्योरिटीज, ये तो 99% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड वरिड अबाउट इट ना। तो उसके लिए कुछ करते हैं, थोड़ा कुछ रास्ता खोज लेते हैं खुशी होने के लिए, डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। तो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है माइंडफुलनेस से, योग से। दूसरा है स्वाधिष्ठाना, फिर उससे ऊपर प्रेनियम, नीचे की ओर से सेंटा होती है। तो उसके लिए ये तितली आसन करें। तितली आसन से आपकी थोड़ी कंट्रोल आएगी, जीभ का कंट्रोल, क्या देखते हैं, क्या सुनते, कैसा रहन सहन हमारा। तो साइंस हैज शोन, नाउ प्रूव्स दैट इट्स नॉट जस्ट हु हाउ एनीथिंग लाइक दैट। इफ यू आर नेगेटिव स्टेट, स्टे इन नेगेटिव स्टेट, यू आर हार्मिंग योर बॉडी, यू एक्चुअली सप्रेस your immune system, you separate lots of good genes that give you health and longevity and other things. So being negative is actually physically very damaging to the body as well. So it's actually for not for anything else, try and actually balance your status, because it's important for your health. Okay, so otha swadhisthana. Tisra hai मणिपुर। मणिपुर कहाँ होता है, लगभग आपकी जहाँ दूरी होती है बेली बटन के पास। तो उसके लिए आग सामने का ले जाए जितना साथ सामने हो सके, फिर इसको राइट नी छुए, पीछे जाए लेफ्ट नी ऐसे, फिर सामने का आगे ऐसे, फिर जल से घुमा ले। तो एक्सरसाइज होती है योग से, लेकिन क्योंकि माइंडफुलनेस होता है, जब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी जगह पर शरीर में आप इसका फोकस लगाते हैं, तो उससे जो केवल स्थूल शरीर नहीं बल्कि आपकी जो सबकॉन्शियस होती है ना, जो इमोशनल इमोशन होती है आपके शरीर की, वो अंदर की चीज है, उस पर उसका देखभाल करना जरूरी होता है, तभी नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो योग से होता है, उसका ये जो आपकी सबकॉन्शियस इमोशनल स्टेट और डिफिकल्टीज होती है, सो बाहर से नहीं हम कंट्रोल कर सकते, उसमें सहारा देता है। फिर उसके बाद में राहत है, राहत चक्कर के लिए तो ये एक्सरसाइज था ना, चेस्ट का से घुमाया हाथ को, तो आपकी थायमस हार्ट या पर फिर वॉइस बॉक्स थायरॉइड ग्लैंड, इसके लिए धीरे से प्रेशर होता है। और कुछ नहीं हो तो आप हाथ से इसे ऐसे टैप करें, यहाँ पर प्रेशर से वाइब्रेशन से वाइब्रेशन एनर्जी होती है ना, तो उससे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तभी जो मैं सिखाता हूँ कि हाथ से दबाइए और शरीर में और जगह पर, सभी जगह पर उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं पद्मासन में बैठ जाए, हो सके तो ऐसे बैठे, अपने को उठा सके तो उठा सकते हैं। ठीक, ऐसे बैठकर थोड़ी और एक्सरसाइज कर लेते हैं। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र के लिए ठीक, ऐसे तो फिर ऐसा पैर उठाना हाथ से, धीरे धीरे आपकी जो पेट की मसल से अंदर में उसको डेवलप करना। उसके बाद अब जाते ऊपर, मैं आपको पुश करें, एक दो तीन,
ऐसे टेबल टॉप की तरह ऊपर जाए। ओ एक दो तीन चार पांच, नीचे आ जाते हैं। अब हम सामने लेट कर और पेट की जो और एक्सरसाइजेस से करते हैं। ओके, तो पहले पैर ऊपर 45 डिग्री पर ले जाए, रोके, एक दो तीन चार पांच, नीचे छूना फिर ऊपर चला जाना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, फिर एक बार और नीचे से ऊपर, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, सांस अंदर, नाक से सांस लेते रहे, अपना रिलैक्सेशन, आप इसको हाथ को घुमाना, पैर को ऐसे खोल लें, फिर दूसरी ओर से, और थाइस का एक्सरसाइज, पेल्विक मसल्स, फिर पैर, नी का एक्सरसाइज और एंकल का, ऐसे घुमाएं तो अंदर से बाहर से ऐसे चलाए, दूसरी दोनों तरफ ऐसे चलाना, और ऊपर जा रहा है, लेकिन जितना हो सके, एक दो तीन चार पांच, आप इसको करते हैं शोल्डर स्टैंड, ऊपर ले गए, एक दो तीन चार पांच, यहां पर थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, नीचे आना। ठीक, आप करते हैं हलासन, पैर को उठाकर ले चलते हैं पूरी की ओर पीछे, एक दो तीन चार, और एक बार फिर जितना हो सके ले जाए, पुश ना करें ना, जितना उसे योग है, डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस में स्ट्रेस नहीं करें जितना हो सके, केवल रूटीन बना ले, करना है जितना हो सके करें। आप पवन मुक्त, आपने जो घुटना है, आपने नासिका की ओर लाए, एक दो तीन, दूसरी तरफ एक दो तीन, अब दोनों साथ में ले लें, और वही एक दो तीन चार पांच, अब की बार मातृसासन ऐसे उठाया मैंने आपको पेल्विक एरिया, एक दो तीन, अब हाथ लाए अपने शोल्डर के पास, उल्टी कर लें और अपने आप को पुश करें ऊपर, एक दो तीन चार पांच, नीचे आना, हाथ से सहारा लें पीछे अपने नेक को, और अम्मल क्या बोलती से मकर आसन कर दे, ऐसे नीज को साथ में, एंकल्स को साथ में रखकर घूम ऐसे चलाते हैं, आपकी बैक की वर्टेब्रल एक्सरसाइजेस। ठीक है, देखो ऐसे कैसे आप एक्सरसाइज हो रहा है ना, ऐसे दोनों तरफ ऐसे चलाते रहे, आपकी पेट की साइड हैंडल्स जो होती है ना, मसल वर्टेब्रल कोल एरिया ऊपर पूरी चेस्ट से लेकर आपकी एंकल साथ में है, एक्सरसाइज हो रहा है, वेरी इजी सिंपल, जस्ट रिमेन माइंडफुल। अच्छा, ये उन्हीं को और ले जाए थोड़ी और दबाए, एक दो तीन, ऐसे दूसरी तरफ थोड़ी और स्ट्रेंथ करना, एक दो तीन, और थोड़ा और उसका वेरिएशन और पुश करें, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ, एक दो तीन चार पांच, या अब करते हैं बोट आसन, ऊपर आ जाए बैलेंस के लिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, आप आ जाए सामने, आप हो गए तैयार, हो गए बैठना, थोड़ी एक्सरसाइज बैठ कर आराम करना, तो आराम करते हैं तो अपनी जो पैर होती है इसको आदत बना ले, से इसको ग्राउंडिंग करना, तो
अपने पंजा उससे दबाए, ऐसे पूरी की पूरी जितनी उंगली होती, फिर उसके बाद में ऐसे, नहीं तो कुछ भी हो, ऐसे अपने आप का, शुरू में मैं कहा था जैसे मसाज करना, ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू मसल्स की मूवमेंट, लिम्फेटिक्स है उसका मूवमेंट होता है, टॉक्सिन्स निकालती है, ब्लड वेसल्स का प्रेशर होता, तभी उससे रिलैक्सेशन होता है। ऐसे फिर हाथ का जो है, ऐसे इसका भी दबाए, सामने ऊपर आ जाए, ऐसे कि उंगली का ऐसे घुमाए, यहाँ का दूसरी तरफ, ठीक, रत्तम करते हैं ना जैसे, इसका यहाँ पर दबाना, ऐसे रेडियल आर्टरी यहाँ पर है, हड्डी के और टेंडन के बीच में जगह है, उसमें प्रेशर दे थोड़ा, 1 2 3 4 5, फिर अग्निसार को बैलेंस करने के लिए ऐसे उठा यहाँ ले जाए, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ ऐसे, 1 2 3 4 5। तो आपको अगर कुछ कठिनाई हो, एसिड बेस, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स, ये सब, इसके लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो एग्जरेटर अग्नि है ना, या बैलेंस होती है एसिड बेस का, उसमें सहारा करता है, अगर आदत बना ले तो आपको अपने आप में अंतर लगेगा, ठीक है। तो अब किए हमने वो, अब हाथ का जैसे मैं कह रहा था, एंकल का एक्सरसाइज, ऐसे अपनी कलाई का ऐसे इसको पुश करें, खोलें, सामने घुमाना दोनों तरफ से, थोड़ी कर लिया करें, थोड़ी थोड़ी, केवल मन लगाना है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है एकदम ऑब्जेक्टिव होती है, माइंड, उसको आप दो तरह से उसका एक्सरसाइज या कुछ भी करा सकते हो ब्रेन से। एक है तो ऑब्वियसली आँख का, नाक का, टेस्ट का, जो स्वाद आता है, जो करते हैं उससे आपका रिएक्शन होता है बॉडी में और कार्य। दूसरा है आप उसको अपने मन से जो कुछ चाहते करा सकते हैं, उसको अंतर नहीं लगता है न्यूरॉन्स का, ब्रेन में जो सेल्स होती है, कि आप सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये माइंडफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन उसको समझता है कि हो रहा है। तभी बहुत आजकल तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, साइंस कितनी चीज प्रूव कर रहा है, आप ऐसे करेंगे, अब साथ साथ में करते रहिए, अपनी जो फोरहेड है इसका मसाज करना, मैं कहता हूँ ना, स्ट्रेस यहाँ बैठी रहती है, जो सर है उसके सा राइट राउंड मसल है, सो मसल को ऐसे धीरे धीरे टैप करना, ऐसे और जगह हम कर रहे थे उसी तरह से, फिर जो आय बोल है उसकी, मैं कह रहा था कि आप अगर 10 लोगों को ले ले और सिखाएं कि पेनल्टी शूट करना, उसको रोज प्रैक्टिस कराए किक करेंगे, डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और 2 10 को ऐसे भी बैठा कर उसको मन में केवल दिखाएं कि वो ऐसे मारता, गोल ऐसे होते रहता है। अब जितनी जितनी स्टडीज हुई हैं, ऐसे करते कि जो बैठ करके वो सोचता है एक किक ही नहीं करेगा, उसका भी परफॉर्मेंस उतने ही इंक्रीज हो जाता है, अगर उसका मन उस तरह से उस पर लगा होता है। तो मतलब ये है कि जो न्यूरॉन से ब्रेन है आपकी, उसी तरह काम करती है, उसको पता नहीं रहता रियली में आप कर रहे हो अपनी बॉडी इस्तेमाल करके, या आप पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उतनी काम करता है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत चीज कर सकते हो वैसे। अब जितनी मेडिसिन ऐसे है ना, प्लेसिबो इफेक्ट होती है, आप इंजेक्शन लगाओ किसी को, एंटीबायोटिक, दूसरों को केवल सेलाइन लगा देना, उतने काम करता है कितने लोगों में, क्योंकि जो ब्रेन की इंटरप्रिटेशन होती है कि आपको वही चीज हो रहा है, तो बॉडी में वो रिलीज करती है ना, इमोशंस होती, रिएक्शंस होती, तो केमिकल्स निकलती है, जो कार्य होता है, अगर एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाए एंटीबॉडीज का, तो सेल बाहर से जा रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, स्टिमुलेशन इन
मेडिसिन से, है ना, आ जाकर वो जो फॉरिन एजेंट है, बैक्टीरिया होता है, उसको मारता है। लेकिन अगर मन से हो तो बॉडी डायरेक्टली एंटीबॉडी वही प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ब्रेन है उसको योग ये चीज सिखाता है कि आप अपनी इंद्रियों के अलावा अपने जो मन बुद्धि की डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हो गया स्ट्रेस, डी स्ट्रेस का एक्सरसाइज आप करेंगे सामने ऐसे लाइ डाउन टू एंड फर्स्ट वी स्टार्ट विद यू कैन आइदर डू प्लैंक स्टेइंग इन दिस पोजीशन और यू कैन डू पुशअप्स विद मी। चलो ठीक है, 100 बार हो गया। अब इसको बॉडी को रिलैक्स ऐसे करते हैं, हाथ सामने आगे को खींचे, पैर को नीचे की तरफ, एक दो तीन चार पांच, ठीक, और आराम करते हैं। ऐसे हाथ रख लो और अपने एंकल्स को अपने तरफ लेके आए, सामने चलाना। इस तरफ ऊपर जाए, एक दूसरी तरफ ऐसे ऐसे, पीछे को देखना, ऊपर जाकर एंकल्स को देखना, सर पासन, हाथ बांध ले, पैर बांध ले सामने, और अपने आप को घुमाना स्नेक पोज। आप पैर को पीछे का ऊपर ले जाना जितना हो सके, एक दो तीन चार पांच, नीचे आकर फिर ऊपर जाना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, नीचे आकर एक बार और, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। ठीक है, पैर ऊपर ले जाकर कर घुमाना, एक दो तीन, एक दो तीन। अब सामने इसको पुल करते हैं, चक्रासन करते हैं, नीचे सामने ले आओ, ऊपर जाइए जितना हो सके, एक दो तीन चार पांच। अब ऐसे रोक करें साइड की साइड, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, पैर को ऊपर ले जाना, ऐसे रोक कर ऊपर आए, एक दो तीन चार पांच, दूसरी तरफ, एक दो तीन चार पांच। अपनी पर बैलेंस करते हैं अपने आप को, ऐसे रोक कर ऊपर ले जाना, एक दो तीन, दूसरी तरफ, एक एक दो तीन, ऐसे स्ट्रेचिंग करें, सामने पैर को नीचे लेकर जाएं, एक दो तीन चार पांच, दूसरी तरफ पुल करें, एक दो तीन चार पांच। अब यहां पर रुक कर कैमल की तरह, ऊंट की तरह ऐसे अपनी पटी ऊपर ऐसे ले जा, सांस ले, सांस बाहर, ऐसे बेली पटी भीतर, तो घुमाना, एक दो तीन, फिर सांस लेते हैं, सांस बाहर ऊपर दूसरी तरफ घुमाए, फिर सांस लेते हैं ऊपर भीतर घुमाना,
ऊपर बाहर बात है। पालक आसन ऐसे बैठ कर या स्ट्रेच करें जितना हो सके नीचे जाइए, एक दो क्या पा आप हाथ पीछे नमस्ते पोज में बना लें इसे और फिर नीचे जाए, एक दो तीन चार पाँच और ऊपर आते स्थिर आसन करते हैं, अपने हाथ को पीछे ले जाए, एंकल्स को रोक के अपनी बॉडी को सपोर्ट करके पीछे जाए जितना, एक दो तीन आप घुटने पर हो जाए ऐसे, एंकल पर बैठ कर पीछे जाए, एक दो तीन चार पांच और तीसरी बार पूरी की पूरी पीछे चले जाए, ठीक है ऐसे बैठ कर चले जाए अपने आप को संभाल कर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अल्लाह ऊपर, ये है वज्रासन। वज्रासन में से बैठ लें, वज्रासन में हम कर लें बंदूक आसन। बंदूक होती है अपने पेट की जितनी ओगन्स स्पेशली पेंक्रियास वगैरह लीवर, उस पर थोड़ी धीरे धीमी से प्रेशर देना, नीचे जाए सांस बाहर, एक दो सांस अंदर, अब इसको थोड़ा और प्रेशर है, धीरे से सांस बाहर ले जाए, एक दो चार पांच सांस अंदर, और दूसरी तरफ ऐसे पंजा सात में आप रिस्ट से दबा लें, नीचे जाए सांस बाहर, एक दो तीन चार पांच। आपकी बार ऐसे थाइस मिरर में ऊपर आए जहां पर आपकी बेली बटन है, उस यहां पर ऐसे ऐसे रखकर हाथ फिर धीरे से दबाना से नीचे जाए, एक दो तीन चार पांच, ये मंदुक आसन है। अब हम करते आपकी एक्सरसाइज, हाथ खोल लो, आपकी नेक स्ट्रेट है, आप केवल देखेगी फिंगर्स राइट हैंड्स का, एक दो तीन चार पांच, दूसरी तरफ एक दो तीन चार पांच, ऐसे डायगोनल ले जाए हाथ को ऊपर, देखना आपकी नेक स्ट्रेट, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट तरफ एक दो तीन चार पांच, दूसरी तरफ ए हाथ ऊपर, एक दो तीन चार पांच, दूसरी नीचे, एक दो तीन चार पांच, फिर हॉरिजॉन्टल राइट तरफ, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट तरफ एक दो तीन चार पांच, हाथ घुटने पर, दूर देखें और फिर अप टिप ऑफ नोज, दूर फिर नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक, अब इसे घुमाएं, 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 opposite 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12, हो गया। अब थोड़ी नेक का एक्सरसाइज कर ले, ऐसे सहारा ले लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाइस पर, राइट से नेक को पुश करें राइट तरफ, रोके ऐसे, एक दो तीन चार पांच, दूसरी तरफ एक दो तीन चार पांच, नीचे की तरफ एक दो तीन चार पांच, सामने सिर का एक दो तीन चार पांच, पीछे का एक दो तीन चार पांच, अब शोल्डर्स का अंदर का एक दो तीन चार पांच, बाहर से भीतर एक दो तीन चार और पांच, ठीक। आपको पता चला इतने देर में आपने पूरी सर से लेकर लगभग पैर की धीरे धीरे आपने एक्सरसाइज कर ली, और
टारगेटेड बुद्धि और माइंडफुलनेस होती है उसमें, तभी इसका इम्पैक्ट है काफी ज्यादा होता है। तो आप ऐसे ही करें, आदत बना लें रोज का, तो बहुत सारा करेगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं, अब थोड़ी बची थी खड़े होने का एक्सरसाइज, है ना। आप पहले ये कर लेते हैं, कोशिश करते रहे थोड़ी थोड़ी और उसमें जोड़ते रहे, एक करना ऐसे बैलेंस इसको, ऐसे आप ऐसे साइड में कर सकते हो उठा कर, वो ऐसे पेट का इसे माया की तरह कर सकते हो, माया कर लेती है तो इस गुड़िया फ्रेश इस पे भी यस ऐसे रुको जी। ठीक है, अब इसको हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना। एवरी वीक में बोलता हूँ कि धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए पेट का मसल थोड़ा बढ़े बैक का, तो उसके लिए आप ऐसे सोकर ऊपर जाना ऊपर कोशिश करें, एक ऐसे दो में ऊपर चले जाए ऐसे। ठीक है, तो धीरे धीरे कोशिश करें तो फिर मसल जो पेट में होती ना वो फ्लेक्ट हो जाते हैं, एक्सरसाइज उसका थोड़ा करना चाहिए। अब हो गया बच्चा एक्सरसाइज, अब थोड़ी पहला पल आप अपने आप को सांस गहरा लें, चेस्ट को खोले, ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद आउट, और स्ट्रेच करें ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन आउट, वन मोर टाइम ब्रीद इन आउट। अब कूदे ऊपर का, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। ठीक, धीरे धीरे कार्डियो हो जाता है उसमें, जब भी तभी मैं खड़े होकर एंड में कराता हूँ तो थोड़ा कार्डियो बन जाता है। आप फोकस करें, आपकी एंकल एक्सरसाइज हम रोज करते हैं, आपकी पैर में स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आप खड़े हो सकते एक पैर पर ऐसे सीधे खड़े होना, एक दो तीन चार पांच ऐसे, दूसरी तरफ आप ऐसे कर सकते, दूसरा पैर का भी खड़े हो जाए रोक कर, माइंड आपकी एक ही जगह लगा रहे, जब भटकता है मन तो कितना भी आपकी स्ट्रेंथ है काम नहीं करती, मन को ली कान एकाग्र कराना आपको स्ट्रेंथ देता है। तो योग से इसी से योग करने से स्ट्रेंथ भी बढ़ती और एकाग्र की स्थिति माइंड फोकस आती। माइंड का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को गुस्सा नहीं जानते अपने आप को संभालना, कितने लोग बात में कितनी गंदगी रहती ना, ये सब अपने आप नहीं निकलेगा, उसके लिए थोड़ी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग करें थाइस का, एक दो तीन हाथ रखें इस पर और हैंड पुश करें, आप स्ट्रेटन हो, एक दो तीन, दूसरी तरफ इसी तरफ, एक दो तीन, एक दो तीन, जितना हो सके स्ट्रेच 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 पर। वैसे कर करना देखे सामने, राइट नी बैंड, आप आगे सामने देखे राइट पर, एक दो तीन हाथ ऊपर ले जाए, एक दो तीन चार पांच स्ट्रेच, दूसरी तरफ इसी तरह ऐसे, एक दो तीन, फिर हाथ ऊपर ले जाए, एक दो तीन चार पांच। तो आप करते हैं चंद्र नमस्कार, चंद्र नमस्कार फिर सूर्य नमस्कार। ठीक, चंद्र नमस्कार के लिए पहला चीज है त्रिकोण, आप ले जाए राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, उसको देखिए एक दो तीन, फिर हाथ नीचे ले जाए, एक दो तीन, अब सामने दोनों हाथ ले जाए नी छूने के लिए, फिर
ऐसे लेफ्ट लेग बेंड कर कर हाथ सामने ऊपर जाए, 1 2 3 4 5 ले आए हाथ साथ में, घूमकर बैठना राइट एंकल पर, 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाए लेफ्ट की तरफ इसी तरह से, 1 2 3 4 5 1 2 3 दोनों हाथ साथ में नीचे, 1 2 3 से बेंड कर हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 घूमकर लेफ्ट एंकल पर बैठना, 1 2 3 4 5 धीरे से ऊपर आए, आप अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच करें, 1 2 3 हाथ पुश करें और अपने आप को भीतर, 1 ऐसे ऊपर 2 और 3 गया। चंद्र नमस्कार, तो चंद्र नमस्कार करते हैं मून पोज, अब सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार, अब कुछ नहीं कर पाते तो सूर्य नमस्कार की कर लीजिए आप रोज, 3 करें फिर 5 करें 7 करें 9 ऐसे जितना हो सके आप करें, और कुछ आसन जो नहीं हुआ उसके लिए हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार, 3 सेट्स करेंगे मतलब 6 हो जाता है, 3 राइट की तरफ से 3 लेफ्ट की तरफ से हो जाए सामने, ओम सूर्याय नमः, ईस्ट फेस ए ईस्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट लेग स्ट्रेटन ऐसे हो जाए प्लैंक मारा, फिर नीचे जाए स्थानासन, चिन नी और टोस छू रहे हैं, भुजंग आप ऊपर आए सामने ऊपर की पर्वतासन, तो माउंटेन पोज ऐसे हो जाए, राइट लेग ऊपर लेफ्ट लेग का, लेफ्ट लेग भीतर आता है दोनों साथ में ऊपर, अब लेफ्ट की तरफ से पहला साइकिल, 1 2 3 4 लेफ्ट लेग स्ट्रेटन हो गए दोनों साथ में हो गए, अस्थंग भुजंग ऐसे आप पर्वत, अबकी बार लेफ्ट लेग ऊपर उठाया फिर राइट की तरफ, टू इन दोनों साथ में ऊपर गया हो गया, तो एक साकर हुआ, फिर राइट से करते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड आउट, राइट लेग स्ट्रेट डाउन प्लैंक पोजीशन, अस्थान भुजंग प्रवतासन, राइट लेग अप लेफ्ट लेग पुल इन बोथ लेग्स टुगेदर आउट, लेफ्ट की तरफ से ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर राइट की तरफ से ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट लेग स्ट्रेटन प्लैंक पोजीशन, अस्थान भुजंग पर्वत, दाएं बाएं पुल इन बोथ लेग्स गेट अप 12 लास्ट वन, ब्रीद इन ब्रीद आउट इन एंड आउट टुगेदर, इन आउट ब्रीद इन बोथ लेग्स टुगेदर एंड हो गया, तो आप 3 साइकिल हुए कि वह देखिए आप 6 करोगे कितनी फास्ट हो जाएगी हार्ट रेट, 21 तक करेंगे तो कितनी पूरा स्वेटिंग होने लगता है ना, तो आसन लगभग हो गए, अब भुजंग क्या योग निद्रा करने से पहले शवासन से पहले आप सिरासन करेंगे, ठीक है इसको पहले मैं ये करता हूँ, दूसरा चीज कोशिश करता हूँ करने के लिए ऊपर से बैलेंस करना, हाथ पर ठीक, आप अगर सिरासन ना हो पाए तो आप शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं, शोल्डर पर रोकिए, मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को सहारा दें, खून नीचे आ सके पैर से,
हार्ट की तरह वैसे एंटी ग्रेविटी होती सब बार ना, तो उसके लिए करते हैं। फिर उसके बाद में आराम ही है, तो सिरासन। गया ठीक है, तो अब अच्छी समय होती है। इतनी एक्सरसाइज के बाद में थोड़ा आराम करना पड़ता है प्राणायाम से पहले, तो उसके लिए हमने ऐसे करते हैं कि मैं योग निद्रा इसी समय करा लेता हूं। तो इसी आराम के समय आप अपने आप को जो आपकी पैरासिम्पेथेटिक बॉडी सिस्टम उसका एक्टिवेशन होता है, बहुत पावरफुल एक्चुअली है योग मुद्रा, जो पूरी मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है आपको। तो इसका आप एडवांटेज लीजिए, आराम भी हो रहा है आपका और मैं आपकी यात्रा, शरीर का यात्रा कराऊंगा। पहली पहल ये बात है आप जानना चाहिए, शरीर अगर नहीं समझोगे तो ब्रह्मांड का समझना दिक्कत होती है। पहले सीख लें, समझ लें शरीर क्या है। शरीर की यात्रा से आत्मा की प्राप्ति और समझ आएगी। जब आत्मा की समझ आएगी तब अब ब्रह्मांड की यात्रा, वो परमात्मा की जो यात्रा, आप मोक्ष की जो प्राप्ति, धर्म और काम, मोक्ष की जो प्राप्ति कराना है वो ब्रह्मांड की यात्रा करना पड़ता है। उसमें ऐसे इतनी सिंपल नहीं है कि आप दो केवल क्रिया कर ले जैसे लोग सब मजहब के नाम पर करते हैं, ऐसे नहीं होता चीज। और उसको उसमें फोकस कंसंट्रेशन लाना है, तो अंदर देखना, अंदर समझना बहुत पावर है उसी में। बाहर से होता है बिट डिफॉल्ट, थोड़ी आपको समझ नहीं आता है, आराम मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, लगता है हमने ड्यूटी पूरा कर दिया, ऐसा होता है वो। लेकिन अगर आपने अंदर जाना सीख लिया तो फिर वो यात्रा जो सभी मनुष्य का तो धर्म बनता है, लक्ष्य है, तो आप चाहिए या ना चाहिए लेकिन आपको इस जन्म में तो कोई और जन्म में तो करना पड़ेगा, एक काम तो करना पड़ेगा। आप इस जन्म में बोल रहे हो कि नहीं मैं क्यों करूं, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म का नियम है, तब तो मनुष्य का शरीर मिलता है, नहीं तो फिर वैसे और कुछ आप शरीर रूप में हो जाओगे, पेड़ कीटाणु या और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जब पहुंच जाते हैं तो फिर उसका धर्म जो है उसको निभाना पड़ेगा। तो भागने से तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो योग निद्रा है शवासन में, हम हाथ आपकी बगल में थोड़ी सी 5 सेंटीमीटर दूर है, पैर भी थोड़ी खुली हुई, हाथ ऊपर की तरफ, आंख बंद हुई है, आप केवल अंदर की आंख से आप खोलने की मैं सिखा रहा हूं। अंदर आंख जो है उस पर आप हम जोर देंगे, देखने की शक्ति भीतर से क्या है। हम सोचते हैं कि जो हम खुली आंख से देखते हैं हाँ बहुत बड़ी बात है, उसी तरह से हमारी पूरी जिंदगी चलती है, लेकिन कितने लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, फिर बहुत काम साफ कार्य करते हैं। क्योंकि जो अंदर वैसे अगर माने जो तो केवल 10% मैक्सिमम होगा जो आंख हमें दिखाता है चीज, सृष्टि का बहुत कम दिखाता है। इसी तरह बुद्धि, अपन न्यूरॉन्स, ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं, सुनने की शक्ति भी बहुत कम पहुंचती। लेकिन क्या है कि हम सोचते वो 100% है। अब जितनी जानवर वगैरह परमात्मा बनाया है उसमें यही सीख है। आप देखिए अब माया चलती है मेरी डॉग, उसकी सूंघने की जो शक्ति इतनी ज्यादा है, मेरे तब कुछ नहीं है, यहाँ से 500 मीटर दूर यहाँ से सूंघते रहते, तो उसको पता रहता है, बिना देखने से भी पता चल जाता है कि कौन आ रहा है रास्ते पे, क्या हो रहा है। ऐसे है आप अगर हिरण को ले ले, उसकी आंख की शक्ति लगभग 15-10 होती, छोटी छोटी जो चंद्रमा, मून वगैरह और प्लेनेटरी सिस्टम का वो देख सकते हैं।
तो जानवर, पेड़, ऐसा में ऐसी सीख है कि आपकी जो हमारी कमजोरी है इंसान बनने में, उसको बढ़ाना धर्म पड़ता, क्योंकि इंसान हो तो आपकी फ्रीडम है। तो आप अगर जैसे मोटर गाड़ी लेते, बेसिक व्हाइट कलर कार ले लिया, आपकी चॉइस है और स्टैंडर्ड है सब कुछ का, और आपने उसमें और चीज लेना है, ऑटो पायलट वगैरह अपने चलेगी, अपना उसका सिस्टम ज्यादा है, तो उसमें जोड़ना पड़ता है चीज। तो इसी तरह शरीर का भी, आप बेसिक मॉडल पे रह जाओगे जो आपकी कर्म अनुसार जन्म जन्म का है, तो ऐसे ही रहना है। लेकिन अगर और कुछ चाहिए इस जिंदगी में, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो योग निद्रा आपको सिखाता है शरीर की जो यात्रा है, आप सांस में अंदर, गहरा सांस अंदर, आप विजुअलाइज कीजिए बंद आंखें से, ये हवा कहाँ से आ रहा है उसको देखिए, क्योंकि वैसे तो दिखाता नहीं है, लेकिन बंद आंखें से आपको दिखाएगा कि ब्रह्मांड में ये जो स्पेस है इनफाइनाइट, अगर आंख ने बंद कर लिए तो आपको बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है उसका भी आपको विजुअलाइजेशन होता है। वैसे खुली आंख से नहीं दिखाएगी, टेलीस्कोप से थोड़ा दिखाएगा, लेकिन आप बंद आंखें कर ले, कॉन्सेंट्रेट करें, आपको पता चलेगा ब्रह्मांड के तो इन्फिनिटी है। इसी तरह अंदर बॉडी में भी स्पेस ही भरा है, ब्लड वेसल्स में स्पेस है, लंग्स में स्पेस है, हार्ट में स्पेस है, सभी जगह स्पेस है। तो जो स्पेस है उसका आप विजुअलाइज करें, क्योंकि अगर एटम भी है, मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, उससे जो टिश्यू ऑर्गन बॉडी बनता है, एटम भीतर में स्पेस ही, इसमें शक्ति होती है, स्पेस की शक्ति। सांस में भी जो हम सांस का गैप होता है, उसमें उसकी शक्ति होती है, स्पेस है वो जगह, इंफिनिटी उसमें शक्ति उसका। तो ऐसे सांस जब लेते, प्राण प्राण की शक्ति से उसे विजुअलाइज करें, लेके जाए गहरी सांस अंदर फेफड़े में, उसको खून ऑक्सीजन जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरी शरीर में, 50 ट्रिलियन सेल्स को ऐसे एक ही सेकंड में, आपको पता ही नहीं चला, पूरी की पूरी ब्लड में आपका ऑक्सीजन हो गया। लेकिन उसको विजुअलाइज करें तो उसमें शक्ति बनती है, आपकी ब्रेथ और डीप होगी, ऑक्सीजनेशन और ज्यादा होगा। अब दूसरा सांस जब लेते हैं, तो उसको पहली वाली जोड़कर दूसरे के साथ आपने जो बेली बटन उस तरफ जाइए और एक्सहलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, और देखिए अंदर में पैर से लेकर सर सिर तक खून कैसे लौटता, हृदय के पास हृदय ले जाता है, आपकी चेस्ट लंग्स में, फेफड़े के द्वारा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, टॉक्सिन गैसेस जो है उसको बाहर लाती है। तो 5 लीटर ऐसे चलता है, तो आपकी जो त्वक है, टच सेंसेशन, मोटो सेंसरी परसेप्शन, कोऑर्डिनेशन, इसको हम ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना, चलते पैर बराबर चलता, आपकी बैलेंस बनी रहती, कैसे होता, अपान शक्ति, इसको अपान करते हैं, अपान प्राण है शक्ति के द्वारा आपकी खूब बैलेंस बनी रहती है। ऐसे तीसरा सांस ऐसे फिर लेते, गहरी सांस को विजुलाइज कीजिए। अब तीसरा में आप अपनी पहले दूसरी जोड़कर, आप दूरी के ऊपर जठर अग्नि होती है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सेंटर होता है शरीर का, वो भी आपकी पैरासिंपेटिक अंदर से चलती है। तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, उसकी शक्ति आपकी सूरज से, सूरज आप सूरज की शक्ति से ये धरती चलती, सूरज के बिना तो फिर ठंड से कुछ होगा ही नहीं। तो ज्योति सूर्या, सूर्य ज्योति, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो, रूप रंग रोशनी प्रदान करने वाली शक्ति से तो शरीर में। अब फिर सांस ले, चौथा खूब गहरा सांस, पहला दूसरा तीसरा मिलके आप हृदय की तरफ आए, चेस्ट की तरफ, आप विजुअल सांस जो है आपकी जा रही है, और आप हृदय है खून पंप करता, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, तो फ्लूइड जो होती बॉडी में 70% है, जैसे स्पेस 99% फ्लूइड है, 70% धरती है, 70% जैसे ओशंस है, तो शीतलता लाती, कोहिजन आपकी, सोमरस, जितनी ब्रेन है फ्लोट होती, सीएसएफ में लंग फ्लोट होता है, ऐसे हार्ट,
आपकी पेरिटोनियल कैविटी, वूम में एमनियोटिक फ्लूइड होती है जब बेबी बड़ा होता, सब फ्लूइड है ऐसे जेल ऐसे चलता है उसमें। उसको आपकी शरीर आपको जानना है, उसको देखिए और उसको अंडरस्टैंड करें, शरीर की यात्रा है, तब आप गहरी स्थूल शरीर को समझ पाओगे, तब आत्मा जो स्वरूप शरीर में वहां पहुंचोगे। केवल बात करने से नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ऐसे नहीं होता है। आपको आत्मा स्वरूप होना पड़ता है, तब उसका आपकी जो उसकी शक्ति है उसका पहचान होता है। बोलने से केवल नहीं होता कोई चीज, माथा टेकने से, आहुति केवल देने से नहीं, उसमें और भी काम करना पड़ेगा। फिर सांस लेते गहरा, लंबी सांस लेके आए। अब इसकी बार जो पांचवी प्राण, उसको उदान व्यान कहते हैं। आप चारों को लेकर पांचवा ऊपर शरीर तलक चले जाए, तो ये पूरी आपकी शरीर जो स्थूल शरीर है, इसमें कितनी 205 बोन्स है, मसल्स, टेंडन्स ये चलाती। उसकी थोड़ी नीचे में सूक्ष्म स्वरूप जो है, मन बुद्धि अहंकार वगैरह वगैरह, इस पर आपकी जो एस्ट्रल कंपोनेंट है धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। योग ज्यादा करता है ये साइंस, केवल स्थूल शरीर पर ही ज्यादा ट्रीटमेंट हम कर पाते थे। सेजरी वगैरह करते हैं, जो काटना पीटना आपकी ब्लॉक हो जाए हार्ट, उसको खोलना। फिर केमिकल्स देते हैं, केमिकल जो मेडिसिन वगैरह, थोड़ी न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा और नहीं है। लेकिन शरीर और भी गहराई होती है, तो उसको समझे। तो फिर पांच और प्राण होती, नाग, कुर्मा, करिकल, देवदत्त, धनंजय। इससे जो छोटी मोटी काम आपकी पेरिस्टल से खून, खाना पचना और चलना, डिलीवरी प्रोसेस, आपकी हिकप्स जो आती है, और आंख वगैरह चलता, भीतर की शक्ति। प्राण पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, सांस के साथ, कि प्राण सांस से ही उसकी लगाव है, प्राण की शक्ति। कितने लोग प्राण तो सांस को बोलते हैं, तो उसी तरह उस पर आप अपनी मन को लगाए तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो जगाएंगे। तो पहला सबकॉन्शियस कार्य था प्राण का। दूसरा, सांस लेते, अब की बार दूसरी सबकॉन्शियसली काम होती है खाना पीना, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस लाना आप और बनाना, ये आपकी धर्म बनती है। फिर उसके बाद में आपने क्या डाला अपने मुंह में, उसे अच्छा पचाएं और सही चीज डालें, क्योंकि जो बॉडी है वो तो उसको नहीं पता फिर होता आपने क्या डाला। आप उसको जो प्रोसेस है, जो आप गन्ने वाली मिल्क मशीन क्या बोलते हैं, जो क्या फैक्ट्री चलती ना, आप उसमें थोड़ा सा एक भी कोई चीज रोंग डाल देंगे मशीनरी में, वो नहीं चलेगा, उसको टूट जाएगा, रुक जाता है ना, गन्ना पीसना बंद हो जाता है। तो शरीर का भी इसी तरह, जो सही इंग्रेडिएंट से सही चीज ही डालें उसमें। नीचे जब जाता है जठर अग्नि, उसमें आती है खाना पचाना, जो उसका प्रोसेस है, आपको उसकी मीडियम बना रखना है। मीडियम चलती है आपके पेट की माइक्रोबियम से, बैक्टीरिया से, और मिलियंस, एक्चुअली ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अंदर है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है ज्यादातर। आप अच्छे खाना जो आपका बना हुआ है खाना, सही जितनी ऑर्गेनिक हो, घर का फ्रूट्स वेजिटेबल, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, एक खाना जो होता है तो बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया को खूब बना रखता है, तो उसका पॉपुलेशन बहुत रेपिडली कम हो रहा है मॉडर्नाइजेशन से। और इसको बोलते हैं माइक्रोबियल हेल्थ, तो बड़ी साइंस में एरिया है, अभी रिसर्च हो गई है, अब तो समझ गया है, सब समझते हैं डॉक्टर्स, कि उसका कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन से होती है। तो आपकी जो मूड वो स्थिति होती है उस पर बहुत इसका इम्पेक्ट होता है। फिजिकल हेल्थ, आपकी बीमारी, एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर वगैरह, इसका सब काफी स्ट्रोंग अब एविडेंस हो गया है। तो आपकी जो क्या लेते क्या खाते हैं, अब केवल डिफॉल्ट से नहीं, ऐसे नहीं सोचते कि ये नहीं मशीन है उसको निकाल देता है, लेकिन डैमेज बहुत होता है उसको समझे। तो उसका पचना, फूड डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, कितनी एलर्जी हो रही, कितने लोग कुछ क्या खाने, बॉडी रोक रहा है अपने आप से, फिर रोकते नहीं, जबरन करते उसको गोली दवाई से रोक कर, फिर खाते जो होता है,
तो जो हमारी जीन्स है बॉडी में, जीन जो होता है बेसिकली फॉर्मूला है कि क्या कैसे होना है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन होता है एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स मतलब कि जो आपकी जो नियम आप फॉलो करते हो कि नहीं, कैसे खाना पीना, आपका रहन सहन, कैसा एनवायरनमेंट है, आपकी माइंड स्टेटस कैसी है, आप नेगेटिविटी में तो नहीं रहे, तो ये सब का डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है जीन्स पर। तब जीन्स एक्सप्रेस होगा जो बुरा जीन्स है, बुरे रूप में, बीमारी के रूप में, वैसे नहीं हो जाता है। तभी डायरेक्टली जीन से जो बीमारी है बहुत कम है, less than 10% होती है, ज्यादा 90% आपकी दूसरी एपिजेनेटिक स्टेट से होती है। तो खाना पीना ऐसे समझिए, आप ऑपरेशन ना, दूसरे चौथी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी टॉक्सिन्स निकालना शरीर से, उस पर विजुअलाइज करें, अपनी अटेंशन ले जाए बंद, आप जहाँ साइड में पेट की तरह बीन की तरह किडनी होती है, ऐसे बीन जैसे हो उसकी शेप में, उसको देखें, विजुअलाइज करें, उसमें पाइप लगी होती है, यूरेटा कहता है, तो जाता है एक जगह पर, रेजर्वो है, ब्लेडा, ब्लेडा में रुका रहता है, जितनी किडनी है फिल्टर करती, खून एक एक सेकंड में आपकी टॉक्सिन निकालती, उसको देखिए, रेजर्वो में रहता है, फिर उसको बाहर निकालना, कितनी परफेक्ट वे चलता है सिस्टम। इसी तरह आपकी जी आई गेस्टो सिस्टम जो था, मैल निकालना, आपकी जो ब्रीदिंग है, आपको समझ को पता ही नहीं आप टॉक्सिन निकाल रहे हो, और फिर आपको पेस्पिरेशन जो स्वेटिंग करना, इसको आप इससे सब बाहर टॉक्सिन आती है, तो ऐसे अच्छा चलता रहे, उस पर आप माइंडफुल हो, सोचे उसके बारे में, आप ले जाए अटेंशन अपनी फिंगर टिप्स पर, पंजा कलाई पर, अपनी कोनी और एल्बो पर आए, फिर हाथ ऊपर ले जाए, नेक पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ में नीचे चले जाए, बटक से नीचे थाइस, पीछे की तरफ से एड़ी पोई, सामने से ऊपर आए घुटना, थाइस और पेल्विक एरिया। यहाँ पर लगभग 72,000 नाडिया न्यूरल सिस्टम्स होती, सटल हुए स्थूल शरीर से और गहराई में, लेफ्ट तरफ इडा है वो चंद्र नाभि, सूरज की पोजिशनिंग से आपकी हार्मोन सिक्रेशन साइकल्स जो होती बॉडी का सब चलता, राइट तरफ आपकी पिंगला सूर्य नाभि, सूर्य से पोजिशनिंग से आपकी जो धरती चलती राउंड जाती, सिकार्डियम रिदम कहते हैं ना, आपकी ब्रेन में डायरेक्ट इंपैक्ट होती, थैलमस एक जगह होती हाइपोथैलमस पर, तो उसपे वो हॉर्मोन प्रोडक्शन होता है, उसके बिना शरीर चल ही नहीं सकता। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हॉर्मोन सिक्रीशन। अब मान ले आपकी वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन जो हॉर्मोन्स है खूब अच्छा चल रहा है आपकी फार्मेसी बॉडी में, तो खूब ब्लड वेसल डायलिटेशन होता है शरीर में, आपकी ऑक्सीजनेशन खूब बनी रहेगी, पूरी शरीर में खूब अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट ऐसी तरह से खुली रहेगी खूब अच्छी तरह से, आपको आनंद मिलेगा। तो वे केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी का निकलता है, वैसोप्रेसिन में एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड वेसल्स में एक चीज होती है क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल डिराइव्ड फैक्टर होती है, रिसेप्टर जो डायलेट करती है। तो कितने लोगों को हार्ट की बीमारी और प्लम्बिंग सिस्टम जो देह का अच्छा नहीं भी हो, लेकिन हार्मोन सिक्रीशन बराबर होगा फिर भी डायलेटेड रहेगी ब्लड वेसल, मतलब जगह बना रहेगा खून चलने में। तो जो अंदर की कार्य इसे भी संभालना है, केवल स्थूल शरीर से नहीं शरीर केवल चलता है, अंदर 90% एक्चुअली बॉडी चलता है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम से। तो योग ये सिखाता है, योग निद्रा अभी हम कर रहे हैं ना, तो आपको ले जाता है अंदर, अटेंशन आपको देता है, अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, आप नीचे आए तो पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, पाइनियल ग्लैंड में ऐसे गुड फीलिंग हॉर्मोन सिक्रीशन होती है, एंडोफिन सेरोटोनिन डोपमिन ऐसे चीज। तो आप उसको बाहर से केवल गोली वगैरह एक्सपेसिव टेबलेट या वॉट एवर एमडीएम वॉट क्या क्या बोलते हैं, आप करोगे तो भीतर की सिस्टम बंद हो जाएगी, भीतर की जो आप उस पर जोर ही नहीं दे तो धीरे धीरे क्लोज हो जाती है। तो उसको चलने के लिए आप अटेंशन देना पड़ेगा, एक्सरसाइज जैसे योग एक्सरसाइज है इसे कराना होगा, नीचे थायराइड पैरा थायराइड आपको पता है, पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठंड गर्म का
सहना आप जी नहीं सकते अगर ये होमोन्स नहीं हो। उससे नीचे आती थायमस, थायमस की बहुत बड़ी रोल पता लग रहा है, क्योंकि कोविड के कारण से पता चला कि इम्यून सिस्टम कितनी महत्व है हमारे शरीर के लिए। हम बाहर से केवल नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को, तो इसमें निंजा की तरह आर्मी है, टी सेल्स बोलते हैं, वो रिकॉग्नाइज करती कि कोई फॉरेन चीज आ रहा है शरीर में, उसको मारने के लिए कैंसर सेल्स को मारता है, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, सब हमारे इतनी ऐसे फ्लैट हो जाती है, इसको कुछ एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो जब मैं एक्सरसाइज से हाथ से फिंगर पे कराता हूँ, तो उससे यहाँ जितनी ऑर्गन से उसका स्टिमुलेशन होता है वाइब्रेशन से, थायमस यहाँ पर है। इसी तरह बोन मेरो, मदा मजा अस्थि, बोन मेरो स्टिमुलेशन बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स रहता है, स्पेयर बॉडी की पार्ट, जैसे हम स्पेयर टायर रखते गाड़ी में, बॉडी में स्पेयर सेल्स, सभी सेल्स होती है, हेड टू टो, ब्रेन सेल्स इवन, सब उसका स्पेयर टायर की तरह बोन मेरो में रहता है, स्टेम सेल्स बोलते हैं। तभी हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का बीमारी हो जाए, कोई और रास्ता ना बचे, तो स्टेम सेल दिया देते कि उसमें रिजर्व्स होती चीज का। तो ये करने से वो स्टेम सेल्स आपकी स्टिमुलेट होती है, आप वो ब्लड में जाएगी एक्सरसाइज। तो आपको मैं यही है, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो अंडरस्टैंड करता हूँ मेडिसिन, तो आई एम पुटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रियल हेल्प, कि क्यों पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, आपको को समझना है, शरीर की यात्रा कराना जरूरी है, नीचे जाए पेट की कार है, एड्रिनल ग्लैंड्स को संभाले, नहीं तो फाइट फाइट फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होती है उससे आपकी बहुत बीमारी होगी शरीर में। तो योग के कार्य से आपको वेसोवेगल टोन स्टिमुलेट होती है, ब्रेन स्टेम से आती है वेगस नर्व, वो आपकी सुंदरता, चेहरे पर मुस्कुराहट लगती है। मैं कहता हूं कि ना, आपकी अगर कोई योग एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप स्माइल कीजिए, आप फेस की योग, जो फेशियल योगा है, स्माइल है। अगर आप केवल स्माइल ही करते रहे दिन भर, आपकी लगभग जितनी कितनी कार्य मैं करा रहा हूं उससे अपने आप होने लगेगा ठीक। फेस योगा मतलब स्माइल करें, तो वो इसका इम्पैक्ट होता है, वेसोवेगल टोन स्टिमुलेशन का, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, आप खुश रहोगे। दूसरे पर रात दिन आप ब्लेम करना, ये आपकी ही हानि होती है, किसी और कोई हानि नहीं होता है, कभी अपने आप को आप बर्बाद कर रहे हो। लोग यही करते हैं, पूरी पूरी संसार यही करता, दूसरे को ब्लेम करता सब चीज के लिए। अंदर देखिए, अंदर अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी आ रही है, आप दूसरे के बारे में सोचे या ना सोचे, अपने आप को तो संभाल लें, कि बीमारी आप बना रहे हैं अपने शरीर में, तो आपकी ऐसे हार्ट रेट नीचे आएगी, ब्लड प्रेशर नीचे आएगी, पेरिस्टोलिस होगा, पेनक्रियस, गोलब्लैडर, लीवर, इसका सिक्रीशन, हॉर्मोन जो जूसेस होती है सर, वेसोवेगल टोन, रेस्ट, रिपेयर, रिजनरेशन, क्रिएटिविटी बॉडी कहलाती है। मेहरा आपको ये ठीक है, तो आप अब आए देखिए, आप बताते से देखिए दोनों आंखों पे, आपने आप देखिए दो आंखें, इस पे आपका कार्य खूब अच्छा चलता रहे पूरी जिंदगी भर, कान के सुनने की शक्ति, नाक दो नोस्टिल से उसको सूंघने की शक्ति, आपकी टेस्ट बड टंग है उसका कार्य, फिर आपकी मल मूत्र, हाथ पैर, बात करने की शक्ति, काम इंद्रिया है, ये एंटेनेंस है बॉडी का आपका चलाने का। ऐसे माने कि सही रास्ते पर पूरी पूरी जितना इफेक्टिव हो सके वो, और आप अपनी बंद आंखें से अटेंशन ले जाए टेल बोन नीचे की तरफ, वहां से ऊपर आए लेफ्ट की तरफ ईडा कहते हैं, राइट की तरफ पिंगला, बीच में सुषुम्ना है, नीचे से ऊपर आए, यही तुम कर रहे थे शुरू से आसन से, मूलाधार, स्वाधिष्ठाना, मणिपुर, अनाहत, हृत प्रदान, विशुद्धि, नाशिका ग्रह, त्रिकुटी, अंजना, ऊपर आए सहस्रा, एकदम ऊपर चले जाए, ब्रह्मांड की यात्रा। आप जब शरीर की यात्रा करोगे तो ये आपकी स्पेस क्राफ्ट है, नीचे से अब जैसे ना एलन मस्क वगैरह बना रहे हैं, उसका शेप ही ऐसे नीचे से ऊपर लंबा होता है रॉकेट की, तभी ऊपर जा सकता है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो
आपकी भी ऐसे यात्रा है, अब इतना जब समझ जाओगे तब आप यहाँ से एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो, सूक्ष्म शरीर की सहारा से आप ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हो। तो 84 लाख योनि कहते हैं ना शरीर, मनुष्य शरीर जो होता है उसमें एक शक्ति फ्रीडम मिलती कि आप ये जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन उसकी शक्ति से आप ऊपर जाइए, देखिए अपने आप को, स्पेस सेंटर कहाँ पर है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप धरती देखो, देखिए वहां से क्या दिखाता है, गोला गोल की तरह घूम रहा है और ट्विस्ट भी होता है, इतनी स्पीड होती है उसमें। आप धरती पर होते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम अपने शरीर को नहीं सुन पाते अंदर, वो तो ठीक है सुन नहीं पाते नहीं, इतनी कार्य हो रहा है शरीर के अंदर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस, आप जी नहीं पाओगे अगर अंदर सुनना सुनाने लगेगा आपके अंदर शरीर में क्या हो रहा है, तो ऐसे देख भी नहीं पाते हैं। अब देखिए, अप्रिशिएट करें और ऊपर जाए, जाते रहे ब्रह्मांड की, अपनी ये जो यूनिवर्स है, आकाश गंगा, वो मिल्की वे कहते हैं, रात को दिखाता है ना एबोरिजिनीज, देखो इनका बेस है, जितनी इंडिजिनस सिविलाइजेशन है वो जो मिल्की वे है, ड्रीम वर्ल्ड बोलते ना हिंदू धर्म में, यही चीज बताया गया है ना, उनको पता था पहले से कि वो जगह है आपकी आकाश गंगा, धरती उस पे क्या एक डस्ट पार्टिकल की तरह भी छोटी पड़ जाती है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो आप उसका जो शक्ति है अंदाज दो, उसमें चंद्रमा कहाँ है, सूरज कहाँ है, टाइम डायलेशन बोलते हैं, अब साइंस सब समझ में आ रहा है कि यहाँ हम है दूसरी जगह, इसी तरह से कार्य हो रहा है, हम कोई चीज चूज करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव कहीं और हो रहा है, कुछ बचता नहीं, मेटा जो है ना एक कोई कुछ मरता ही नहीं है, उसका कार्य कहीं और हो रहा है, सेम टाइम होता है उसी तरह से, प्लेनेटरी सिस्टम्स जो, तो इसका जो पोजीशनिंग है कि फास्टिंग करना, 14 रोज फुल मून के बाद में एकादशी वगैरह, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशनिंग है उसमें हमारा जो एनर्जी है इसी से सब रिलेटेड है, अलग नहीं है शरीर का, तो आप समझे इसको, टाइम डायलेशन करते कि यहाँ पर धरती पर इसी रेट पर धरती घूमता है ना, अबाउट 2,200 किलोमीटर पे आवर, 365 डेज लगती, अगर आप स्पेस में जाए सैटर्न की तरफ चले गए तो 5 साल वहां का यहाँ पर 20 साल हो जाएगा, मतलब 15 साल का पेंशन 65 ईयर्स का हो जाएगा, नहीं और ज्यादा, वहाँ 50 से 65, वहाँ केवल 20 साल का होगा, तो जो समय है, समय का खेल, तो उसको समझना, टाइम और स्पेस जो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है एक ही चीज होता है, हमारी जो सोच समझ है मेटा है, अगर उसको एनर्जी में ले जाना है तभी वो इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर आपकी मन कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसी तरह से वही पार्टिकल्स में, मैस एनर्जी में, तो ब्रह्मांड की जो यात्रा है आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि प्लेनेटरी मेटावर्स कहते हैं, मेटा यूनिवर्स, तो बहुत बड़ी बात हो रही है ना ऐसी, मेटा कॉग्निशन, कि आप वो चीज हो जाए वो रूप में, आप अपने आप को समझिए कि जिसकी एनर्जी आपको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, यूनिफाइड थ्योरी होता है कि जो सुपर कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो वही परमात्मा बोलते हैं, उसमें अगर मर्ज होना है तो आपको स्थिति बनाना है, वो मेटा कॉग्निशन होती है, क्योंकि जहां पर अलग से जो हम देख सकते हैं वो केवल मैक्सिमम 10% है यूनिवर्स का, 90% तो केवल डार्क एनर्जी है, तो उस पर टैप करना, रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है सभी चीज का। अब जैसे जितने बड़े लोग हैं अभी के समय में, मस्क को ले लो या आइंस्टाइन थे या हमारे कितने जो ऋषि मुनि थे, वो कहाँ से लेके आते थे इतनी नॉलेज, ये शक्ति रात शरीर का शक्ति की टैप करना, अनलिमिटेड रिसोर्स है वो, ऋग्वेद साध्य सूक्त में बताता है सब चीज कि कहाँ पर ये सब चीज है। अब इतनी जो टेलीस्कोप वगैरह धीरे धीरे साइंस आपको बता रहा है, चीज कंफर्म हो रहा है, तो आप जाइए अपने आप से ले जाइए, शरीर सूक्ष्म
शरीर उसमें टप करना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो उस वो एनर्जी जो है यूनिटी यूनिफाइड थीरी है, तो उसको आपकी जो शरीर है उसमें डायरेक्ट उसका कनेक्शन बनता है। आप आए धीरे लौटे लौटे अपने शरीर में, तो एनर्जाइज हो जाएगा, तो बुद्धि होगी आपकी, जितनी परसेप्शन पावर है आपकी सेल्स बॉडी की, और कर सकती जो मनुष्य करना चाहिए। हम तो अपने आप को मान लेते हैं कि 50 साल के हो गए, ये जो नियम बनाया हुआ गया सोसाइटी की, क्या बुढ़े हो गए। बुढ़ा क्या, किसी आपके शरीर में इतनी शक्ति है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करने जानते हैं। जो दूसरी की कार दूसरा का नियम हम फॉलो करते रहते हैं, दूसरा जो कहता है, अपने आप का जो शक्ति है उसका पूरी की पूरी डेप्थ में नहीं जा पाते। तो सांस अंदर में, सांस बाहर, सांस अंदर, ओके, सांस बाहर। तो योग निद्रा की यात्रा तो है आपकी, पैरा सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, उसको आप दो खा रहे हुआ। तो मैं एक शरीर की यात्रा, उसके साथ में थोड़ा ब्रह्मांड का यात्रा हुआ। दूसरी कार्य होती कि आपकी जो ब्रेन वेव्स है ना, हम अल्फा बीटा वेव्स में रहते हैं, चंचलता, मन की चंचलता को कम करा देता, अल्फा स्टेट में ले आती है। जब गहरे नींद में सोते हैं खूब अच्छी तरह, जब हमारी निद्रा होती है तो सवेरे उठते हैं बहुत खुश वो महसूस करते हैं। तो योग निद्रा आपको ले जाएगी उसमें, थीटा वेव्स होती है, लगभग थीटा में अबाउट 4 to 7 बीट्स हो जाती है ब्रेन का वेव, तब आपको और आराम मिलता है। फिर डेल्टा में चल जाती है, लेट्स लो 4, तो ये योग निद्रा जो है ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो आम अब ये सब साइंस अब धीरे धीरे इतनी रिसर्च हो रही है, ब्रेन का रिसर्च ये सब चीज का, कि बोलने में मुझे कुछ वैसे हाँ बुरा ही नहीं लगता है, क्योंकि केवल मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ पतंजलि योग दर्शन पढ़कर, बट साइंस ये सब चीज प्रूव कर रहा है। तो लोगों अभी पीछे है, लगभग 10-15 साल का चीज ही है केवल, तो किसी को पता ही नहीं है, स्कूल सिस्टम्स में है ही नहीं। तो जितना आप जल्द समझ जाओगे उतना कोशिश करोगे कि अपने आप को संभालने की। तो आप जितनी कार्य की हमने योग निद्रा में, आप उसकी इफेक्टिवनेस लाना है, जो कि शरीर की एनर्जी डेवलपमेंट, प्राण क्रिया बहुत जरूरी है। और प्राण के बारे में मैंने कहा था कि प्राण के बिना तो कुछ ही नहीं होगा, 10 प्राण है, तो शक्ति इसका प्राण क्रिया करे, एक्सरसाइज करे ब्रीदिंग का, बड़ी सेक्रीफाइस, बड़ू बहुत तपस्या, बड़ी तपस्या कहते हैं प्राण, प्राणायाम बहुत बड़ा तपस्या होती है, क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ता है, और ऐसा मेहनत करे जो आपकी शरीर पर ज्यादा इम्पैक्ट हो। ठीक है, पहला भस्त्रिका, तो नाक से सांस लेते हैं, नाक से बाहर लाते हैं, जब सांस अंदर आता है तो आपकी बेली बटन जो बाहर जाएगी सांस बाहर, तो उसको पुश करें भीतर ऐसे, तो उससे ऐसे करते हैं। अब सुदर्शन क्रिया, सांस अंदर हाथ ऊपर, तो हेल्प करता खूब गहरा सांस में, सांस बाहर, हाथ ऐसे जब नीचे लाते मसल यूज होता है चेस्ट का, इसे करते हैं।
का प्राणायाम, देखो कितनी कड़ी होती है एक्सरसाइज, इससे तो इजी पढ़ना है, दौड़ लो जाकर पार्क में ना, ये और कड़ा होता है और मेहनत करना पड़ता है, तो उतना इजी नहीं, देखने में इजी लगती होगी शायद, लेकिन बहुत फोकस लगाना, ढेर ये मसल सब चलती है, आप ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा अग्निसार, उसमें गहरा सांस अंदर, पूरी की पूरी सांस बाहर, फिर उस सांस को रोक लेना, रोक कर रखे, लेकिन फिर आप फोर्स करें अपनी जो बेली बटन है धूरी को आगे पीछे लाए, आगे पीछे चलाएं, रुक कर, पहले था नस्तिका में किस सांस के संगे चलता था, आप रोक कर चलाएंगे अग्निसार। एक और बार, खूब ज्यादा ऑक्सीजन हो रहा है आपके शरीर में, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो डीप, जितनी डेड स्पेस होती है लंग का वो निकल रहा, बाहर जा रहा है, स्पेस बन रहा है लंग में। अग्निसार हुई, अग्नि जठर अग्नि को जगा रहा, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो मैं कह रहा था, ये मुद्रा में उसका खूब अच्छी तरह से कार्य होगा। अब करेंगे वाही प्राणायाम, उजई प्राणायाम। उजई क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग यहाँ से थ्रोट से फील करिए वाइब्रेशन, तो आपको पता है मैं बोल रहा था थायमस, इम्यून सिस्टम, हृदय का वाइब्रेशन, ऐसे करके करते हाथ से आसन से, अब सांस से करेंगे, उसके लिए नाक से ही सांस लेंगे लेकिन कंसंट्रेट करेंगे थ्रोट पर। की बार चिन चेस्ट पे ले आए तो और प्रेशर पड़ेगा, सांस लेंगे, सांस जब भर जाएगा तो आप राइट नोज दबाकर लेफ्ट नोज से सांस बाहर करोगे। ठीक तो हो गया उजई प्राणायाम, तो मैंने बताया उसका एडवांटेजेस क्या होता है, फिर रिएक्शन टाइम फास्ट हो जाता है, आपकी ब्रेन जो न्यूरोनल जो कनेक्शन से अच्छी होती, डिमेंशिया वगैरह अल्जाइमर्स जो डिजीज होती वो नहीं होगा, क्योंकि कनेक्शन हाल ही होता है उससे फास्ट। अब करेंगे कपालभाति, कपालभाति, कपाल मेटाफोरिकली इसको खोलना, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है ना कि हम मोक्ष पाते हैं, पाना चाहते हैं, तो यही है कपाल की पूरी खुल जाना, कि ब्रह्मांड से आपकी मिलन हो जाए, कि जो एनर्जी है वहां से आप उसको डायरेक्टली अपने आप में आत्मा परमात्मा का मिलन, तो कपालभाति उस तरह से बहुत
इफेक्टिव है। तो सांस लेने की आप बाहर करने वाली एक्सरसाइज है, सब सांस लेते थे निकालते थे, इसमें केवल निकालना फोकस होता है। तो सीधे बैठे कहीं पर बैठे चेयर पर वॉल पर उसी सहारा लेना, तो क्या हो रहा है कि आप सांस बाहर निकाल रहे हो और जितनी स्टील हो सके आप बैठे, तो बेली बटन आप पुश कर रहे हो अंदर, सांस बाहर आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट होता, सांस भीतर चला जाता अपने आप, उस पर जोर ना दे बल्कि खाली एक्सहलेशन पर, ठीक है।
कपालभाति, उसका यही ट्रिक है, अगर रिदम में हो जाओगे तो अपने होने लगता है, और जो आनंद आता है तो समय उतना रहता नहीं, आप मन करके करते हैं क्योंकि इतनी गहराई में आपकी आनंद की ये स्थिति बन जाती है अंदर से, तो उसको कहते हैं कपालभाति। अब करेंगे वायु कुंभक, उसका पहला स्टेज होता है अभयंत्र वृत्ति, गहरा सांस ले अंदर, फिर वायु वृत्ति पूरा लंबा सांस बाहर करें, फिर वायु कुंभक सांस को रोक लेते हैं, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद, तीनों बंद हो जाती, फिर सांस को रोकते हैं, वो स्पेस जो मैं कहता हूँ ना जगह है उसमें, उस पर रहना, उसमें रहना, तो फिर जितना देर हो सके रोकिए, नहीं रुकता फिर सांस को अच्छा नीचे से ऊपर ले आए, जितनी एनर्जी सेंटर से उस पर आप ऐसे अंदाज लेते ऊपर आए। अभ्यंतर वृत्ति वायु वृत्ति, वायु कुंभक मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद, तो हो गया। आप करेंगे अनुलोम विलोम, तो राइट से सांस अंदर लेंगे नोस्टिल से, फिर लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, की बार करते हैं वही जो अनुलोम विलोम होता है उसको खूब स्थिर रूप से एकदम धीरे से उसका करते हैं, उसको बोलते हैं नाधि शोधन, नाधि जो कर रहे थे पहले उसका नाधि का साफ करना, नाधि शोधन, लेफ्ट से सांस अंदर, दोनों नोस्टिल बंद, सांस रोक ले, राइट से बाहर, दोनों नोस्टिल बंद हुआ, आप सांस रोक कर वहीं पर रहे, लेफ्ट से अंदर, दोनों नोस्टिल बंद, लेफ्ट से बाहर, दोनों बंद, महसूस कीजिए जो स्पेस है ना उसी में आपको, आपके मन से कुछ भी नहीं मन में हो रहा, एकमात्र रास्ता केवल प्राणायाम है, आपको पूरी की मन को एकाग्र बना लेना, लेफ्ट से अंदर, दोनों बंद कर रोकिए, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर वही बात
समय नहीं ना उतना, नहीं तो आपको तो पता है क्या आनंद मिलती है आपको, आपको पूरी की पूरी, वही मैं कह रहा था ना, बीटा वेव से अल्फा वेव चली जाती फिर थीटा में, तभी तो इतनी आनंद मिलती है, क्योंकि सब कुछ ब्रेन वेव्स पर ही होता है अंदर। तो आपकी जो जीने की स्टेजेस होती वही ब्रेन वेव्स पर ही मेंटेन होती, कि आप सिंपल चंचलता वाली लाइफ, हर बार गुस्से में, खुशी नहीं रहो, वो एकदम बेसिक लेवल होती है। आग बंद करने से ही केवल कितनी कितनी डिस्ट्रेक्शन दूर हो जाती है। तो थोड़ी प्राणायाम करेंगे आपको अल्फा स्थिति बनने लगती है। तो डेल्टा में जाएंगे या थीटा में जाएंगे तो आपकी जो पहचान है अंदर की, उसकी गहराई आने लगती है। और फिर अगर डेल्टा पे पहुंचे लेस देन 4 का बीट पर सेकंड, तो आप ब्रह्मांड की यात्रा में हो सकते हैं, अवेयरनेस आ जाता है, यूनिटी हो जाती है। तो इसका इतनी बड़ी रहस्य है सब चीज में। तो अब स्थिति तो बन गई, एकाग्रा की स्थिति ऐसे सुंदर, तो आप थोड़ी ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करने का मतलब यही होता है, लोग वेस्ट में थोड़ी समझते हैं रिलैक्सेशन ऐसे सब मिलता हो तो सही बात है, लेकिन जो और अंदर की सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा होती है, और ब्रह्मांड की जो, और जो सच्चा प्रार्थना होता है आपको ध्यान से आता है। अभी वो लोग सब नहीं समझते इस चीज, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि आप तो फिर उसकी और एडवांटेज ले सकते हो ये जो कार्य है। तो जो परमात्मा का निज नाम और क्लोजेस्ट जो रूप स्वरूप स्ट्रक्चर कुछ होती है, और उसकी जो फॉर्म है ओम की ध्वनि में होती है, जो वेवलेंथ है, फिर भी वो परमात्मा तो है ही नहीं ऐसे रूप में, तो निराकार सर्वशक्तिमान है ऐसे सभी जगह हर मोड़, लेकिन ओम का जो ध्वनि है ब्रह्मांड का ध्वनि है वो खम ब्रह्म, उसका 3 बार उद्गीत करते हैं। वाचिक, उपांसिक, मानसिक, आ उ मा, ऐसे गहराई उसका। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प। हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने विभिन्न दुखों की निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए, और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। मानव जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त कर परमात्मा की प्राप्ति करना, भौतिक सुख शरीर तक सीमित है, आती और जाती और स्थायी नहीं, स्थायी और आत्मिक सुख और सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा के शरण में ही प्राप्त होती है। ओम।
purpose of human lives to attain divinity. Material things are limited, recurring and frustrating. The assured is eternal and spiritual. Peace and happiness is only attained in the soothing shadow and feet of that super infinite consciousness, O Paramatma. Pratihara. अपने आप को एक बार फिर से याद दिलाइए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप रंग स्पर्श गंध शब्द दस इंद्रियां चित्त मन अहंकार बुद्धि ये सब कुछ नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। रिमाइंडर इंट्रोस्पेक्शन डिसोसिएशन डिटैचमेंट है सही रूप। मैंने शरीर का एक्सरसाइज किया सूक्ष्म, फिर आपको प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर से सूक्ष्म में ले गया समझने के लिए। अब जो ध्यान है वो तो आत्मा की तरफ ले जाती है और गहराई में, और शरीर की जो सच्चता है जो सच है उस पर ले जाती है। शुद्ध आत्मा में चेतन से वो चलाने वाली शरीर है जो शक्ति अंदर, आप यहाँ जा रहे हो तो आसन प्राणायाम ध्यान दूसरी दूसरी और लेवल उसका अंदर जाता है। जैसे ओम का उमा वाचिक उपांसिक फिर मानसिक में जाना, उसी तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आत्मा में जाना। तो ध्यान का वो जगह है, उसमें पहुंचने के लिए आप धारणा करना पड़ता है, धारणा कंसंट्रेशन उसे रखे, इसी तरह स्थिति बना रखे। तो उसको कैसे बनाए, गीतांजलि योग दर्शन यजुर्वेद ऋग्वेद में मंत्र है, उसी का आप कंसंट्रेट करें उस पर जो सही स्वरूप है परमात्मा का, जो क्वालिटीज पर। वैसे बहुत चीज कर सकते हैं, सूरज ले लें, चंद्र ले लें, कैंडल बाल लें, कुछ सुगंध रख ले, बहुत तरह से लोग कराते हैं, लेकिन आपको हाईवे चाहिए, स्ट्रेट जर्नी जो चाहिए, तो वेद और पतंजलि योग में बताया गया इसे, तो उसको हम अपने आप में उतारते हैं। का पहला स्वर व्यापक स्वर शक्तिमान स्वर अंतर्यामी जन्मानंदमय सच्चिदानंद स्वरूप निराकार नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की स्थिति प्रार्थना उपासना करनी योग है। नवद्रिब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हर काल हर समय 24 गुण 33 कोटियां 5 क्रिया हर मोह हर जगह पर उपस्थित धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ब्रह्मचर्य गृहस्थी वानप्रस्थ संन्यास की यात्रा को देने वाला। आप अनंत काल से अपने उपकारों अपनी आशीर्वादों की वर्षा करते हो, प्राणी मात्र के संपूर्ण कामनाओं को आप प्रतिक्षण पूर्ण करते हो, हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है, आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिरक्षित पदार्थों की प्राप्ति है, सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो हम स्थिति प्रार्थना उपासना करें, हम कमल की फूल की तरह रहे, ये जीवन जीते हुए भी उससे अलग सूक्ष्म रूप में जीना सीखे। सो देयर ओमनी प्रेजेंट ओमनीशियंट ओमनीपोटेंट ऑल माइटी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एनर्जी द क्वांटम फील्ड मे बी बी ब्लेस्ड बाय दैट एनर्जी और मे वी हैव that connection and communication so that we can tap into that energy. From eternity, though, keep showering your blessings. All desires of living beings are always fulfilled by you. Whatever is good and beneficial for us, you provided us without asking. May we have complete faith and devotion. May we express gratitude, thankfulness. May we always be there to help every forms of life, plant, animals, humans. May we have
that power of being able to separate from material, living as a superficial thing, but understand the depth of living. When you remove all the negativities, narrow-minded, selfishness, lust, anger, jealousy, hatred, violence, ill will, negativities. का दूसरा सर्व रक्षक आदि दैविक आदि भौतिक पृथ्वी लोक वनस्पति देवलोक स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण शरीर जाकेरा को साइय मार सके न कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो. एवरी लेवल पर अप टू योर फिंगर लेंथ टिप ऑफ फिंगर्स देयर इज अ जोन अराउंड एवरी सिंगल क्रिएचर. Be it plant, be it animal, because there is a soul connection to this, and for humans as well. If you don't know how to communicate with this energy, then you are liable to be get affected by other people, by physically or by words. But if you have this zone and you are aware of it and you are communicating and your thoughts are your energy, which is the electrical energy that flows, your feelings are your magnetism. So everything is electromagnetic field around us and everywhere else. And that's how we tap into radio, phones, TV, other things that we are doing. But that's not all. This for us to connect, we also are vibrations and energy form. So that is where this protection comes from. So learn to communicate, learn to develop this power of being completely shielded, completely protected all the time at every state of our being. Whatever we do, we travel, we are in car, we are in plane, or we are anywhere, everywhere, in any environment and surrounding, that you be protected. And it is possible. Everybody is made of that same components. There is no difference between any. We all can tap into this. So there's a possibility of everyone being able to do it. So maintain or be aware of this zone that is always there. So everything that is accident and randomness and which happens is because you are not synchronized with your energy. Your mind is not synchronized with your heart. Your feelings are out in touch with your brain. So accidents will happen. Things will become random. Diseases will happen. Lots of wrong things happen. But if there's synchronicity, what's called serendipitous nature, then there's all these coincidences happen. They are not magic. Everyone can actually develop this thing. Ooh. May we acquire all virtuous qualities of living, forgiveness, simplicity, stability, fearlessness, humblessness, may all good emotions be our possessions, may our heart of compassion and sympathy, words amiable and thoughtful of action, may we vision of love for entire creation, may we have complete education and wisdom, may our personality be virtuous and great. They exist amongst the poorest of the poor, may our lives be devoted and dedicated at your feet, graces. क्षमा सरलता स्थिरता निर्भितंकार शून्य तथा वच्चे गुण हमारे संपत्ति बने हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट मन सूक्ष्म तथा उन्नत आत्मा पवित्र तथा सुंदर आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो दीनाथ दीनों के मन में चलने वाली ईश्वर आपके चन्नान बिंदु में हमारा जीवन से अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करे. So gratitude jo hoti na, thankfulness, gratefulness. There is no other emotional reaction in the body so powerful of giving you peace and happiness. And everybody has felt that if you do something for someone without expectation, with your free will, and you feel the best. So gratitude of the ultimate creator will give you the most deeper sense of peace.
तभी हम करते हैं। नो हु गिव्स एवरीथिंग एंड इज इन अबंडेंस एंड इन एवरी फॉर्म एंड एवरीवेयर, व्हाई वुड दैट एनर्जी रिक्वायर एनी वन टू थिंक? दैट्स नॉट द रीजन पीपल इंटरप्रेट इट रॉन्गली। वो आर्ग्यूमेंट से वो व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग, नो इट्स एक्चुअली यू लर्निंग हाउ टू बी ग्रेशियस। Why we should be gracious to always to our parents, our neighbors, our family. The depth of it increases with the depth of the provider. Katisra artha shuddhamasi buddhamasi muktamasi niranjanosi. Aap shuddho, aap pavitro. Hame shuddh karo, hame pavitro. Tattva masi am brahma jaisi sachidanand sankalp mukh. शिव शक्ति रितम संकल्प करे साधना पुरुषार्थ अभ्यास तब विवेक की प्राप्ति होती है, तब वैराग्य होती है, तब हम शरीर स्थूल शरीर से जो तामसिक जो स्थिति है ना, हम सवेरे उठ भी नहीं पाते खाट में से, ये है इनर्शिया शरीर का। तब अपने आप में शक्ति आएगा, फिर मन की जो इनर्शिया है, मन की जो तामसिक स्थिति होती है, राजसिक मन दौड़ते रहता 70,000 थॉट्स इन अ डे। 90% ऑफ वट एवर वी वेक अप इन द मॉर्निंग इज द वट एवर हैपन लास्ट नाइट और डे बिफोर ओ प्रायर लाइफ। कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। यू वेक अप एंड यू आर स्टिल वॉकिंग ऑन दैट फॉर द होल डे अगेन। यू डिस्ट्रॉय अनदर डे दैट वे बिकॉज यू कॉन्ट सेपरेट योर सेल्फ। Your body, your brain is actually addicted to it by secreting chemicals that you keep thinking of whatever has happened yesterday, day before, who said what to you, and that you live with that, and what a waste of life. And it's not only your time that is wasted, your body is actually amplifying wrong hormones. It's secreting wrong chemicals in your body too. You are actually damaging your health. This is all now scientifically proven, that having bad thoughts, anger, jealousy, hatred, violence, negativities is actually producing addictive type of wrong chemicals in your body. So, sattvic sthiti mein rehne ke liye mehnat karna padta hai, discipline lana padta hai, thoda aise nahi hoga. तो एक क्लेश है, जितनी गहरा जाएंगे अंदर, इंट्यूशन बोलते हैं ना, इंट्यूशन जो पावर होती आपकी राइट साइड ऑफ ब्रेन का डेवलपमेंट करती है, जो लेफ्ट है आपकी एकेडेमिक, आपकी ये जो सब नॉइज है, आप सुपरफिशियल लेवल आपको बहुत सारा करता है। लेकिन अगर आप गहराई में चीज चाहिए तो आपको इंट्यूटिव पावर होना है, और ये जो कार्य होता है योग मेडिटेशन डीप में, आपकी राइट ब्रेन को धीरे से बात करता है, बोलता है अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे बनिए, बुरे को छोड़, धीरे बोलता है, सुनाई नहीं देता आपको। जो लेफ्ट है जोर है, ईगो का कार्य होता है उसमें, आप बुरा करो, आप ये करो, आप वो करो, तो वो सुनते रहते हो। तो आपकी जब राइट साइड ऑफ द ब्रेन डेवलप होगी, आपकी इंट्यूटिव पावर, आपकी कनेक्शन मेटा ह्यूमन जो क्वालिटी होती है उसमें डेवलपमेंट होती है। तो इसी जन्म में जो संसार जो जन्म होती है, संस्कार पहले पहले कितनी है हमारे में, अगर हम ऐसे कार्य करें तो उसको भी साफ कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं, ऐसा ही मार्ग है केवल परमात्मा का, जो उस पर जो कुछ है उसको समर्पण करना। जैसे आहुति देते ना, इधर नमम, जो कुछ है सब आपका ही है, ऐसे से होता है, तब कार्य होता, आत्मा जो उसमें जो मैल होती है, क्लेश कहते हैं, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मृत्यु का भय उल्टा ज्ञान लगाव बदले की भावना सब समाप्त हो, अच्छे गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। बात पीत का हमारे शरीर की जो पांच महा
भूत होती, उसकी बराबरी हो, तो हमें हमें ज्ञान होगा कि जो जागृत स्थिति स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरिया तक भार्गव भार, ऐसे ऐसी स्थिति में आपका पूरी की पूरी ब्रेन वॉइस में जो कह रहा था आपको ऐसे ले जाता है, तो आपकी शाब वाणी में ऐसे संकल्प होगा, आपकी खान पीन खाना पीना से आपकी जो मन की डेवलपमेंट बुद्धि की डेवलपमेंट आपको लाएगी, आप में विश्वास आएगा, तब लोकेशना पुतेशना वितेशना या अटैचमेंट दूर हो जाती है, अनमय कोश मन में या प्राण में या विज्ञान में या आनंद में या कोश, ये जो पांच शीत है उसकी आपकी प्राप्ति होगी, तो धीरे धीरे यम नियम का जो कार्य सब पूरा हो जाता है, सत्यास्ते ब्रह्मचरी अपिग्रासो संतोष तपस्या सुध्याय ईश्वर निदान, ये सब का अपने आप में आएगा, आप ऐसे राइट साइड ऑफ ब्रेन डेवलप करते रहे अपने होते चला जाएगा, तो फिर एकाग्र की स्थिति योग चित्रवृत्ति निरोधा सर्विकल से सर्विचार सर्वी से नर्वी सर्व प्रजा स्थिति से संप्रजा सर्गुण से निर्गुण सानत सुष्मिता कैवल्य की प्राप्ति सिद्धि की प्राप्ति अनिमा महिमा गरिमा गरिमा महिमा प्रजापति प्राप्ति प्रकम्य आस्तवा विस्तवा। तो यह यात्रा और बहुत आनंदी यात्रा है, और बैठकर पूरी की पूरी आप अपने अंदर सी जो वाईफाई है ना, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है आपकी राउटर है, लेफ्ट साइड ब्रेन आपकी कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन रखती है, जब राउटर नहीं काम करेगी इंटरनेट है ही नहीं आपकी कंप्यूटर कितने 5,000-10,000 का रख लो कोई काम कर रही है, तो आपकी ब्रेन और शरीर भी कोई सी काम कर रही है, जब तक ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन राउटर काम नहीं करेगा वो तो ब्रह्मांड से आपकी पूरी की पूरी डाउनलोड जो होना है होता ही नहीं है। तो मंत्र चिकित्सा ओम सहनाभवतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ तक्षक्षुर्दीहितं पुरुषचाचुक्रतुषत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शुणियाम शरदशतम प्रभाम शरदशतम दीनश्याम शरदशतात वश्यम शरदशतात यज्जाग्रतो दुर्मय दैवितिम दैवितम दैवितिम दूरमम ज्योतिषाम ज्योतिरीकम तन्मे मनाशु संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मुक्षमामृता तूं तेजोमसि तेजोमयि दे। ओम बलमसि बलमयि दे ओजोमसि ओजोमयि दे वीरमसि वीरमयि दे ओम सहोमसि सहोमयि दे ओम मनुर्मसि मनुर्मयि दे। ओम तमे माचत पिता तमे बंधु शिखा तमे विद्या दर्विणम तमे सर्वम मम देव देव। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्गानि पराशुआ यद भद्रं तन्नाशुआ। ओम हिरण गर्भा सामर्तताग्रे भूतस्य जाता प्रतिरेक्याशि सदा धार प्रतिबिंध्याम तेमकृष्मै दीवायाः विशाविधिम। व्यात्मदा बलदायश्च विश्व उपासित प्रश्यम यश्च देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कृष्णाय देवायाः विशाभिदेवम्। ओम येन देवरुग्रापित विचदिरा येन स्वास सवितम येन नाका योऽन्तरिक्षे राजशो विमाना कृष्णाय देवायाः विशाभिदेवम्। ओम प्रजापतिनतदीतानन्ने विश्वाजातानि परिता भभुव यत्कामास्ते जहुमस्तनस्तु वयं श्यामपतरो रहिणाम। ओम सन्नो बन्द्रजनिता सविदाता धमनिवेद भुए नानी विश्व यत्र देवा अमृत मानुषान्ना शशित्री धामन्न धैर्यंता। ओम अग्ने नये सुपतारा अस्मान विश्वानि देव वयु नानी विद्वान यदस्मज्जौरान मेनो भूशांते नमा उक्तिम विधेम। ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमा शंकराय च मस्कराय च नमा शिवाय च शिवतराय च। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भर्गो अरिमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्न विष्णु रुक्रमा नमो ब्रह्मे नमस्तवाय तमेपदीक्षम ब्रह्मादि तमेपदीक्षम ब्रह्मादि स्वामी रिक्तमदि स्वामी सत्यमदि स्वामी तन्मम अवतु तत् वाक्तराम अवतु अवतु माम अवतु वाक्तराम। ओम
शरणदे वीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शरणो रवि शरवन्तु न ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु ओम स्वस्ति न इंद्रो राध्यवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न ओम स्वस्ति न इंद्रो राध्यवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न ओम दीना तक्तेना भुजिन्ता ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे ओम कुरुनिर्वाहि कर्माणि निजे विषेताम समायो त्वे तिना नितिथि अस्ति न कर्म लिपति नवे ओम अस्तुमा सक्तगमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतं गमया ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावेतु मा कश्चित् दुःखभावेतु ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यति 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 ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वरस्ति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुम शांति शांति रेव शांति शम शांति रिधि ओम शांति 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 ओम परमात्मा की कृपा बना रही जी सभी को धन्यवाद ओम शांति 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 अगले हफ्ते मिलते हैं नमस्ते जी।